जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, अशांत मन है, बेचैनी है, घबराहट है, ये सारी चीजें आप अपने लाइफ स्टाइल चेंज करके दूर कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि आज के कुछ दशक पहले, यूं कहें कि 30-40 वर्ष पहले या इससे भी कम समय पहले, एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस नाम की बीमारी इतनी नहीं थी जितना आजकल है। हर घर में, घर के बगल में नहीं तो पास पड़ोस में ऐसे लोग मिल जा रहे हैं जो अंदर अंदर तनाव से परेशान है, डिप्रेशन में है। सब कुछ उनके पास है, पैसे की कमी नहीं है, घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी खुशी नहीं है, परेशान है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सुसाइड के कितने केसेस बढ़ रहे हैं, आत्महत्या लोग कर ले रहे हैं। कारण क्या है? एक अंदर से खुशी, जो अपने भावनाओं को शेयर करें, जो अंदर से उनको कुछ दिलासा दे, सांत्वना दे, उनको सुकून दे। घर में लोग हैं लेकिन लोग अकेले महसूस कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इस मामले में दवा तो कारगर है, लोग दवाई लेते हैं, लेकिन अगर आप नेचर के पास रहें, गाय या ऐसे ही जानवरों के बीच में रहना, पशु पक्षियों के बीच में रहना, पेड़ों के बीच में रहना, बागीचे में रहना लोगों को सुकून देता था और एक दवा का काम करता था। नहीं, अगर आपके घर में एक गमला है तो उसमें लगा हुआ फूल भी आपके तनाव को कम कर सकता है। तो मैं तो सभी को सुझाव देता हूँ और देना भी चाहूँगा। मेरे जितने भी योग के कुछ स्टूडेंट्स हैं, जो क्लाइंट हैं योग के, जो योग प्रैक्टिशनर हैं, वो आते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ कि अगर तनाव है, परेशान है तनाव से, तो कुछ ना करिए, दो चार गमले लाइए और अपने हाथ से उस पर फूल लगाइए, अपने हाथ से उसमें पौधे को लगाइए, अपने हाथ से उसमें सुबह शाम पानी दीजिए, उस पर मिट्टी डालिए, खाद डालिए, तो आप देखेंगे कि एक धीरे धीरे ऐसी फ्रेंडशिप हो जाएगी आपके उस पौधे के साथ कि आपको मज़ा आ जाएगा। कभी निकल जाइए बाहर, ऐसे किसी बाहर घूमती ही गाय को रोटी दे दीजिए, बाहर कोई डॉग है या स्ट्रीट डॉग है उसको कुछ खिला पिला दीजिए, घर में है तो उसकी सेवा कर दीजिए, तो आपको अच्छा लगेगा। आप ध्यान दीजिए, इंसानों से बेहतर आप साथ उनका पाएंगे। बहुत कम जगह है, बहुत लोगों के शहरों में प्लाट छोटे होते हैं, फ्लैट छोटा होता है, तो आप गमले से काम चलाइए, और कोई ऑप्शन नहीं है, 8-10 गमले, 15 गमले लगा लीजिए। स्टैंड भी आ रहे हैं गमले के, कई सारे लगा सकते हैं। थोड़ी सी जगह और आपके पास अगर है तो उसमें आप कुछ पेड़ लगा सकते हैं, थोड़े बड़े पेड़ लगा सकते हैं, और आजकल नर्सरी में ऐसे पेड़ आ रहे हैं कि छोटी जगह ले रहे हैं, कम जगह ले रहे हैं और अच्छे से फल फूल दे रहे हैं। मैंने आम का पेड़ लगाया, उसके बाद जामुन का पेड़ लगाया, लेकिन जामुन का पेड़ तेजी से आगे बढ़ गया तो आम को ढक लिया, और सबसे बुरा हाल हुआ अमरूद का, बेचारा खत्म ही हो गया। तो छोटी सी जगह में देखिए, आम, नीम, अमरूद, जामुन, ये सब हैं। ये क्यों है? सिर्फ पेड़ नहीं है, आपके दोस्त हैं, और ये भी कारक है कि आपके डिप्रेशन को, आपके स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। लेकिन आपको दूसरा भाव रखना है, आगे से जब आप पेड़ के नीचे जाएं तो थोड़ा वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएं, खुद अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करें, वहाँ के एटमॉस्फेयर में जब थोड़ी सी हवा चले तो फील करिए कि हवा आपके स्किन को टच कर रही है, उसके टेम्परेचर को, उसके ठंडकपन को, उसके कूलनेस को फील करिए, फिर देखिए आपका भाव बदल जाएगा। पेड़ के नीचे जाएंगे तो चिड़िया की आवाज़ आएगी, और भी छोटे जीव जंतु होते हैं जो बोलते हैं, बंद करके सुनिए। योग में ध्यान की अनेक विधियां हैं, मेडिटेशन की, ये भी मेडिटेशन की एक विधि है कि आप अकेले बैठ जाएं और अपने आसपास की आवाज़ को सुने, उसको उसमें विश्लेषण नहीं करना, उसमें डूबना नहीं है, आवाज़ को सुने, बारी बारी से आवाज़ सुने, फिर देखिए आपका तनाव कम होगा इससे। तो ये जो पेड़ पौधे हैं मैंने बताया, आप बागवानी कर रहे हैं या साग सब्जी लगा रहे हैं, सर आजकल तो गार्डनिंग लोग कर रहे हैं, अपने टेरेस पे कर रहे हैं, छतों पे भी कर ले रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आपके लिए बड़ी कारगर होंगी, आपके स्ट्रेस को दूर करने के लिए, आपके तनाव को दूर करने के लिए। और अपने वहाँ तो ये वेद मंत्र हैं कि ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापह शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, हर चीज़ के शांत रहने की बात कही गई है कि प्रकृति में जो सारी चीज़ें हैं, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, पृथ्वी, नदी, पहाड़, इन सबके शांति की बात की गई है कि जब नेचुरल चीज़ें
अपने साम्यावस्था में रहेंगी, हम उनके साथ जुड़े रहेंगे, नेचुरली जुड़े रहेंगे, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। और इस चीज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं। आजकल कंक्रीट के महल तो बन जा रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में क्या हो रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं। सबके पास महंगी गाड़ियाँ हैं, अच्छे मकान हैं, बैंक बैलेंस है, लेकिन शांति नहीं है, खुशी नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि सुसाइड के केसेस गांव में बहुत सुनने को नहीं मिलता था पहले, अब तो ये शहरों में महामारी के रूप में फैल रही है। लोगों की टॉलरेंस घट रही है, सहनशीलता घट रही है, और अब ये चीज़ें गांव में भी सुनाई दे रही है। आए दिन आप न्यूज़पेपर उठाइए तो सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं, पद पत्नी के बीच तनाव, अलग से वो चीज़ें हो रही हैं। आप देखिए कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आफ्टर ट्वेल्थ, ट्वेल्थ से नीचे भी उनके मार्क्स कम आ जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। खाली हो तो कभी, सबके लिए मैं कह रहा हूँ कि मोबाइल थोड़ी देर साइड में रखिए, कोई बुक उठा लीजिए, बुक ले लीजिए, अपने गम जहाँ अपने बालकनी में गमले लगाए हैं वहाँ एक चेयर डाल लीजिए, बैठ जाइए। या अगर आपके पास थोड़ी सी और जगह, मैंने बताया पेड़ है, तो उस पेड़ों के बीच में आ जाइए और एक चेयर डाल के अपनी कोई पसंदीदा बुक उठा लीजिए और पढ़िए। फिर देखिए, वह आपको जो आनंद आएगा वो आपको कहीं नहीं आएगा, बहुत सुकून मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें हैं तो बहुत छोटी छोटी, लेकिन हम भूल गए हैं नेचुरल लाइफ जीना, हम भूल गए हैं नेचुरल चीज़ें खाना, हम भूल गए हैं तमाम जो बीमारियां लाइफ स्टाइल से हैं, उनको लाइफ स्टाइल ठीक करके ही आप दूर कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, अशांत मन है, बेचैनी है, घबराहट है, ये सारी चीज़ें आप अपने लाइफ स्टाइल चेंज करके दूर कर सकते हैं। तो मेरा तो सभी लोगों से कहना, मैं बल्कि बोलता भी हूँ, जो भी योग प्रैक्टिशनर आते हैं योग करने, योग सीख, मैं सबको बोलता हूँ कि थोड़ा नेचुरल होइए, बी नेचुरल बी स्पिरिचुअल, थोड़ा आध्यात्मिक होइए, स्पिरिचुअल हो जाइए, थोड़ा नेचुरल हो जाइए, फिर देखिए खुशी अपने आप आएगी, हैप्पीनेस अपने आप आएगी। इसके लिए बहुत धन नहीं खर्च करना है, बहुत आसान तरीका है, मैंने आपको बताया। और भी कई सारी चीज़ें हैं, इन्वॉल्व होना है अपने माइंड को, वहाँ इन्वॉल्व होना है, कर दीजिए इन्वॉल्व। थोड़ी देर आप मोबाइल से दूर हो जाइए, टेलीविजन से दूर हो जाइए, अपने कंप्यूटर सिस्टम से दूर हो जाइए, थोड़ी किताबों से दोस्ती कर लीजिए, थोड़ी इन पेड़ पौधों से दोस्ती कर लीजिए। और देखिए, बोलते हैं पेड़ पौधे, मैंने बताया ना कि जो पेड़ पौधे ना हिलते हैं, तो आप केवल गौर से इनको देखिए, लगता है इसे कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, फिर मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे लाइफ स्टाइल चेंज करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने विजन को, अपने दृष्टि को बदल सकते हैं, जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, और करना कुछ नहीं है। अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे, तब तक आप सभी लोग पूरे परिवार के साथ खुश रहें। नमस्ते।